अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अब भैया आप माता टेकरी पर पहुंचे हैं, दो तीन दिन से आप दिखाई नहीं दे रहे थे देवास शहर में, क्या टिकट फाइनल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए मैं दो तीन दिन से कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्य जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी जाती हैं, क्योंकि मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ तो कांग्रेस पार्टी के कुछ जिम्मेदारियाँ जो दी गई थी उसके लिए मैं भोपाल में था और अभी माता के दर्शन करने आया हूँ। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सभी देवासवासी यहाँ पे आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ दिनों पूर्व कमलनाथ जी ने बयान जारी किया था कि हमारे कई टिकट विधानसभा के फाइनल हो गए हैं और हमने उन्हें फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया, क्या माना जा रहा है? हम ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास भी फ़ोन आ गया और आप माता रानी के दर्शन करने पहुँचे? ये तो आप कमलनाथ जी से ही पूछ सकते हैं। अच्छा देखा जाए तो अभी आपकी पार्टी ने जो है अभी तक लिस्ट जारी की नहीं है, कितना समय और लग रहा है लिस्ट जारी होने में? देखिए नवरात्रि के पहले दिन ही एक पहली लिस्ट जारी होने वाली है जिसमें शायद 150 और से भी ज़्यादा प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहला अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सरकार आ रही है तो हम शुभ दिन पे ही इस लिस्ट को जारी करेंगे। गुप्त रूप से आपके हर समाज के साथ के अध्यक्षों से भी आपकी बातचीत चल रही है, क्या माना जाए इसको? देखिए ये तो राजनीतिक तैयारी है, चुनावी साल है, सभी पार्टी अपनी अपनी मेहनत करती है, हम लोग भी अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक रख रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपको सही प्रत्याशी चुनना चाहिए और ये मेरे ख्याल से सभी पार्टियाँ करेंगी। धन्यवाद।